कवि कुमार आजाद, जिन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी के नाम से भी जाना जाता है, सोमवार को उनके अचानक निधन से पूरा मनोरंजन जगत सदमे में है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के सभी कलाकार, सभी सदस्य शोक में नजर आए। पर इसी बीच एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर डॉक्टर हाथी की अंतिम विदाई में जेठालाल क्यों नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। डॉक्टर हाथी के अचानक मौत से पूरी टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध है। शो में उनके साथ काम करने वाले एक्टर दिलीप जोशी, जिन्हें जेठालाल के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन यकीन नहीं हुआ, इतने सदमे में है तो थे कहां, आखिर अंतिम विदाई में वो नजर क्यों नहीं आए। तो जनाब, आपको बताते चलें कि दिलीप इस वक्त फैमिली ट्रिप पर लंदन में है, इसी वजह से वो इस अंतिम विदाई वाले मौके पर शामिल नहीं हो पाए। जब डॉक्टर हाथी का निधन हुआ तो उस वक्त वो लंदन में थे, उन्हें वहीं पर यह खबर मिली और जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो इस खबर पर यकीन नहीं कर पाए। दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल ने कहा कि मैं खबर सुन के शॉक्ड हूँ और बहुत बुरी खबर है। मुझे इस बारे में अपनी टीम के साथियों से पता चला, मैं इस वक्त परिवार के साथ लंदन में हूँ। जब यह घटना हुई मेरे पास साथ काम करने वाले लोगों के फोन आने लगे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पर कवि कुमार को याद करते हुए दिलीप कहते हैं कि बहुत अच्छे सहकलाकार थे और खुशमिजाज इंसान थे। वो हमेशा बहुत सकारात्मक रहते थे और सेट्स पर सबको खुश रखते थे। कुछ भी परेशानी हो वो शूट मिस नहीं करते थे, वो हमारे सेट के लाफिंग बुद्धा थे। वहीं पर काम का अनुभव शेयर करते हुए दिलीप ने बताया कि सबका अपना पर्सनल मेकअप रूम है। हम तीन चार लोग जैसे कि भेड़े, पोपटलाल, हाथी भाई और मैं एक कॉमन रूम में इकट्ठा होते थे और शॉट्स के पहले और बाद में खूब बातें करते थे। हम खूब मजे करते थे। अब हमें उनकी बहुत याद आने वाली है, हम उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं। उनकी हर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की आदत थी और वो ये लंबे समय से करते आ रहे थे। मैं उन्हें जवाब भी देता था। उन्हें कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मैं भारत में हूँ या भारत से बाहर। वो हमेशा मुझे मैसेज करते थे और बीते दिन में उन्होंने मैसेज किया था, ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। तो ये बातें कही है जेठालाल ने। तो हाथी भाई के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने का कारण ये था कि वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।